तो हमेशा ने चार पिलाओं, चार है बच्चों का डे 5 ऑफ स्कूल और फ्राइडे है माशाल्लाह से, और उसके बाद ऐसे ही 2 दिन ऑफ होगा। और ये देखिए रात में दही मैंने बनने के लिए रखा था, बिल्कुल बन चुका है, इसको मैं अंदर रख देती हूँ। और बच्चों का जो है ना मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, और काफ़ी सारा दही पहले वाला भी बराबर, तो आज मैंने जो है फिर कढ़ी भी बना लेती हूँ। बर्ड की आवाज़ सुन सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी लगती है, इतना सुकून मिलता है जब मैंने नमाज़ पढ़ के ना जल्दी से। और मैंने अब इसका इनका ब्रेकफास्ट बस होता है, ये भी खा रहे होते बच्चे, ठीक है मैं ये बना रही हूँ। और आज है फ्राइडे वैसे, लेकिन फिर भी बच्चों को भूख तो लगती है ना, आपको बताइए। तो यहाँ ये बन रहा है, और आज जो है साथ में एग बनाऊँगी मैं, और फिर उनको टोस्ट की फॉर्म में दे दूंगी। सो आई एम ओपन इट, मैंने यहाँ जो है इसको रखाया था, तो ब्रेड जो है मैं इसको भी बना के देती हूँ उनको। ये देखिए आज मैंने जिस तरह से अंडा ऐड किया, और फिर मैं ये टोस्ट में लगा के इनको दे दूंगी। आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ ऐड कर दें वो भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, हर चीज़ वाला भी बहुत अच्छा लगा था बच्चों को, लेकिन मैं आज चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ, जिस एग की फॉर्म में इनको दे देती हूँ। अच्छा टाइम पे अगर आप उठ जाए तो फिर सुकून से आराम से सारे काम हो जाते हैं, और कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। हमेशा जो है ना अब मैं 1 घंटे पहले ही उठ जाती हूँ, 6 बजे उठ के उठी हुई होती हूँ, तो फिर सारे काम पहले नमाज़ वगैरह पढ़ ली होती है, और उसके बाद फिर 1 घंटा होता है पूरा, नमाज के बाद आप सुकून से सारे काम कर सकते हैं। और मैं मुझे इसके अंडे की किस तरह से लगी नहीं है, हमने ब्रेक करके डालना है, कोई बात नहीं। दूसरा चम्मच अगर आप यूज़ करें तो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इजीली। अच्छा ये हो गया है, ये देखें नगेट्स, एक एक मैंने नगेट्स रखना है, और ग्रेप्स रखूंगी मैं साथ में, और ये टोस्ट, हम टोस्ट के लिए मैंने क्या किया है, जी थोड़ा सा मैंने मायनीज लिया है, और उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दिया, ये देखिए मायनीज के अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया, और उसको थोड़ा सा मैं स्प्रेड कर दूंगी ताकि बिल्कुल भी रूखे ना लगे बच्चों को खाने में, क्योंकि आप उनको पता है दोपहर में उन्होंने मतलब आफ्टरनून में खाने होते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा टेस्टफुल भी लगना चाहिए, जो है ना कंफर्टेबली वो खा सकें। तो थोड़ा सा इसको इस तरह से फिलअप कर लिया, और फिर हम इसके अंदर एग ऐड कर देते हैं, और अकॉर्डिंग टू योर जो ना चाइल्ड की डिज़ायर के मुताबिक आप एग ऐड कर सकते हैं, कि वो ज़्यादा खाना चाहता है तो आप उसको ज़्यादा दे सकते हैं, और अगर कम खाते हैं तो फिर वो आप उसको उस लिहाज से जो है ना थोड़ा कम भी डाल के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी मैंने इस तरह से इनको ये दे दिया, और इस पर भी मैं लगा देती हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। तो आज है फ्राइडे, और जी इसके बाद 2 दिन का ऑफ है माशाल्लाह से फिर इनका, तो जो है क्या रूटीन रहती है फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज की जो है फ्राइडे की रूटीन है, कल आपके साथ मुझे शेयर की थी, और मैंने सारे अपने काम फिनिश कर रहे थे, कपड़े वगैरह भी बहुत शक हो चुके हैं, तो और यहाँ जो है ना लंच का एक डिफरेंट आइडिया हमने आपके साथ शेयर करी हूँ मैं, इस तरह से ये पहले भी दिया है मैंने, थोड़ी सी वेरिएशन करके आप अपने बच्चों को लंच दिया करें, और घर की चीज़ें दिया करें तो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू हम बाहर से लेके देते हैं। कभी कभार आप चीट डे कर सकते हो, जिससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और आपको भी आसानी मिल जाती है, आप इतना काम नहीं करना पड़ता, आप इजीली जो है ना लंच बॉक्स रेडी कर सकते हैं। और ये देखिए जी मैंने इसमें अब ग्रेप्स ऐड कर देने बच्चों के लिए, मैं फूड का एलिमेंट हमेशा रख रही हूँ, और कभी एप्पल कभी ग्रेप्स मतलब फ्रूट्स में ना मिस नहीं करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है और मेरे हस्बैंड का होता है कि लाजमी बच्चों को फूड दे दिया करो, तो मैं ये साथ में फूड रख रही हूँ,
और आज मैं इनको ना ऑलमंड भी दूंगी साथ में, ठीक है? ठीक है, ऑलमंड भी दूंगी। वैसे तो इनको रात में भिगो के रखना चाहिए था मुझे, लेकिन आई जस्ट फॉरगेट, तो मैं अब 3-3 जो है ना दोनों के इसमें डाल देती हूँ, ताकि ये लोग वहाँ पर खा लें और उनको अच्छा भी लगे कि आज कुछ डिफरेंट भी मम्मा ने रख दिया। तो ये आज का लंच बॉक्स हो गया हमारा, इसको बस क्लोजअप करते हैं और पानी की बॉटल्स रेडी करती हूँ। और जो एक ब्रेड है इसको मैं इसी तरह टोस्ट पे लगा के मायनीज और ब्रेड लगा दूँगी, तो ये हाफ हाफ अभी खा भी लेंगे क्योंकि ये नाश्ता नहीं कर पाते, तो जस्ट फॉर, इसीलिए मैं इनको लंच बहुत हैवी करके देती हूँ ताकि ये जो है ना अच्छे से प्रॉपर से लंच कर सके वहाँ पर। जल्दी फिनिश करो। अच्छा, यहाँ जो है हम इनको छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है? और आज काफ़ी खुश थे, रोए नहीं थे, ये मूड भी थोड़ा बेटर था, तो इसको छोड़ने जा रहे थे यहाँ पर हम। जी जी बेटे को हम छोड़ आए हैं स्कूल और यहाँ बना रही हूँ मैं प्याज वाले अंडे। तो हालांकि सालन पड़ा हुआ, लेकिन मेरे हबी की फरमाइश जो है ना इनकी आ रही है, तो मैं नाश्ते में ये बना के दे रही हूँ इनको आज। और साथ में पराठे बनाती हूँ, तो वही जो डेली बेसिस पे, आज फ्राइडे है तो जल्दी ऑफर जाएगा, तो मैं उसको जल्दी लेने के लिए जाऊँगी। ये सारे काम हैं आज के, तो बस करते हैं। रेडी हो रहा है, ये देखिए चाय हमारी मुल्तान से बन चुकी है और बस पराठे बन रहे हैं, 3 अदद पराठे बनेंगे आज हमारे। बच्चे वैसे जल्दी आ जाएंगे, आज फ्राइडे है क्योंकि बहुत टेस्टी, क्योंकि इतनी फ्रेश आटे का पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इसका, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सा बनेगा, तो देख सकते हैं आप। टाइम हो गया अगेन डिश वॉशिंग का, और ये देखिए अंडे इस तरह के रहते हैं, रेडी हुए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे ये भी। और ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब मैं जो है ना जस वॉश देम ऑल। हाँ, मैंने ना सुबह सुबह कढ़ी बनाने का सोचा था, मैंने फिर कढ़ी बनाना शुरू कर दी थी ताकि उनका सुबह में जल्दी काम खत्म हो जाए, क्योंकि बेबी को लेने जल्दी जाना था, इस बार भी अपने बेटे को लेने जल्दी जाना था, फ्राइडे था। फिर ऐसे भाई लोग आ गए तो उनके साथ गाड़ी में चले गए थे लेने के लिए, और शदीद किस्म की जो है ना हब्स और गर्मी थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो ये मैं और भाई जो है ना लेने के लिए जा रहे थे उसको, और फिर हम उसको लेने गए थे, हम बाय कार चले गए थे, अदरवाइज़ मैं वॉकिंग करते हुए जाती हूँ, फिर ऑटो में आज वापसी में लेते हुए आ रही हूँ। तो गर्मी बहुत थी, ऊपर से भाई लोग आ रहे थे, फिर जो है उसको लेके घर आई और बस जल्दी जल्दी जो है ना आके कुकिंग की, जो कढ़ी बनाई हुई थी तो पकौड़े जल्दी से रेडी किए, साथ में कढ़ी तैयार हो चुकी थी,
और फिर उनको खाना वगैरह सर्व किया, लेकिन उनकी क्लिपिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि अब गर्मी बहुत थी और उसमें समझ ही नहीं आया उस वक्त बच्चे स्कूल से, उनकी बेटी भी आ गई और वीडियो में मेरा भाई काम कर रहा है, देखिए कैसे ड्रेसिंग करते हैं। छोटे बच्चों को तो आती नहीं है, तो मेरे भाई को तो आती है, और चलिए देखते हैं भाई क्या रिजल्ट करते हैं इसकी इरेजर और इसके ही शॉर्पनर। अब देखते हैं क्या करता है, इतना प्यारा काम किया है इसने। गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर करें स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इस पॉइंट से स्टार्ट करो। गुड, ये बहुत ही गुड है इस काम। हाँ, मैं अपनी बेटी को वर्किंग करा रही। अच्छा, मेरे पूरे जो है ना रिलेटिव्स में मेरे भाई के बच्चे और मेरी बच्ची सब NSR बिलोंग्स की प्रॉपर जो है ना ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो किस तरह से मेरे पीछे पीछे कर रहे होते हैं कि पप्पो बन के और मम्मा बन के और इस तरह करते हैं। ये रात का खाना है हमारा, पीछे थी ना दोपहर में भाई लोग आए थे तो वो क्लिप वगैरह मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर से जल्दी बच्चे आ रहे थे स्कूल से और साथ में खाना पीना सब कुछ, तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये रोटियाँ दोपहर वाली अभी कम पड़ेगी तो और ले लेंगे, और ये जो है मैं बना रही हूँ यहाँ पर लस्सी, ठीक है। और बस मैं जल्दी से रात का खाना करती हूँ, बहुत ज़्यादा जो गर्मी है आज उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा थकावट सी हो रही है। सालन भी गर्म हो गया और यहाँ मैंने लस्सी बना ली है मीठी वाली, और यहाँ सालन गर्म हो गया। बच्चों के लिए मैंने योगर्ट्स निकाल लिया है ताकि वो खा लें, कड़ी निकाल लिया, गर्म कर दिए प्रॉपर। और बस ये रात का जो है ना खाना है हमारा, और जो है ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।